अस्सलाम वालेकुम गाइस, ईद बकरा आप सब लोगों को मुबारक। आप लोगों को पता है गोश्त की ईद है, हर तरफ गोश्त बन रहा है, कहीं पे पाए बन रहे हैं, कहीं पे कीमा बन रहा है, हर तरफ नमक मिर्च, नमकीन मसाले, नमकीन गोश्त, पुलाव, बिरयानी, हर चीज़ें हर घर में बन रही हैं। कौन सा घर है जहाँ पे ये चीज़ें नहीं बन रही? तो जब ज़्यादा नमक मिर्च या नमक वाली चीज़ें खा लें तो खाने के बाद दिल करता है कि कुछ मीठा हो जाए। तो वो वाला मीठा नहीं जो डेरी मिल्क वाला है, मैं दूसरे वाला मीठा कह रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ, सेवइयाँ तो हर घर में बनती हैं और मोस्टली ये होता है कि रात को बना के हम लोग प्रिपेयर कर के रख देते हैं, लेकिन समटाइम ये होता है कि आपको इमरजेंसी में भी बनानी पड़ सकती हैं, गेस्ट आ गए हैं या दिल कर रहा है कि मीठा बनाने को, गोश्त खा खा के अक गए हैं या थक गए हैं। तो मैं आज आपके साथ अपनी जो मेरी सेवइयाँ बनाने की रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप मेरे प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इस तरह की सेवइयाँ आप लोगों ने नहीं खाई होंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे फॉलो करेंगे। और चलें अब आएँ इंग्रेडिएंट्स की तरफ। हाँ जी, सबसे पहले आपको उसमें लेना होगा 1 kg दूध। और इसमें मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपने दूध जो है वो भलाई समेत लेना है, मतलब इसमें ये मतलब मेरी जो रेसिपी है इसमें अगर आपने फॉलो करना है तो आपने मलाई समेत दूध लेना है। इसमें ऑप्शन ये भी है कि 1 kg दूध की जो मलाई है वो आप ऐड में भी डाल सकती हैं और आप पहले भी डाल सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने नट्स लेने हैं, वो आप लोगों पे है, इट्स अप टू यू कि आप उसमें नट्स में क्या लेते हैं। कुछ बादाम डालते हैं, कुछ पिस्ते काजू डालते हैं। तो ये किशमिश थी घर में थोड़ी सी और इसके अलावा कोई नट्स अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने कहा मैं इन्हीं को मतलब इन्हीं का इस्तेमाल करती हूँ। और ये 3 इलायची हैं, बड़ी इलायची है, और ये आपने खोल के नहीं डालनी। अगर आपने खोल के या पाउडर के सूरत में डालनी है तो इस तरह से कर लें। और इधर आ जाते हैं, ये है जनाब मिश्री। और 1 kg दूध है तो आप लोगों को 1/2 कप जो है उससे थोड़ी सी कम, अगर आप लोग चीनी इस्तेमाल करते हैं तो चीनी इस्तेमाल कर लें, अगर आप लोगों ने मिश्री इस्तेमाल करनी है तो वो भी 1/2 कप से थोड़ा कम आप रखें। इसको मैंने ग्राइंडर नहीं किया क्योंकि वो क्रश करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये गर्म दूध में ना ये जल्दी मिक्स हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये सेवइयाँ, आप कोशिश करें कि सूजी वाली सेवइयाँ लें तो वो बहुत मज़े की बनती हैं। कुछ इससे मोटी होती हैं, मोटी भी अच्छी बनती हैं। ये ब्रीक अवेलेबल थी मुझे इस वक्त, तो मैंने इसी से जो है वो फ़ायदा उठाया कि इन्हीं से बना लें। ये आप तकरीबन 1 कप होंगी ये सेवइयाँ, ठीक है। उसके बाद है जी ये वनीला कस्टर्ड, ये एंड में आप लोग डाल सकते हैं, मैं आप लोगों के सामने डालूँगी। तो ये वनीला कस्टर्ड सेवइयाँ भी आप इसको कह सकते हैं या दूध वाली सेवइयाँ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसका बनाने का तरीका बताती हूँ, तो आप लोग मेरे तरीके से बनाइएगा और फिर खाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये सेवइयाँ कैसी लगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो 1 kg दूध है भलाई समेत आपने इसको डाल देना, ठीक है। ये मैंने दूध ऐड कर दिया, ठीक है। आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप अगर एंड में डालना चाहें तो ये साथ ही इसके मैं ये जो 3 इलायचियाँ हैं, आप अपनी मर्जी से ज़्यादा इलायची भी डाल सकते हैं, और अगर पीस के उसका पाउडर की सूरत में डालना है तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। कुछ लोग वो जो है उसको खोल के डालते हैं, कुछ मैं साबर डाल देती हूँ ताकि ज़्यादा मुँह में जायका आता है, तो बच्चे जो है ना वो फेंक देते हैं, तो मैं इस वजह से करती हूँ कि ऐसे ही डाल दूँ, ठीक है। अब आपने इसको थोड़ा सा बॉयल करना है दूध को। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने सिल्वर का बर्तन लेना है, स्टील का नहीं लेना, क्योंकि उसमें जब हम चीनी या मिश्री वगैरह शक्कर वगैरह ऐड करेंगे तो वो नीचे से लगना शुरू हो जाता है, तो उसमें ये हो जाता है कि बचत हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊँ, कुछ लोग जो हैं वो सेवइयाँ अलहदा से बॉयल करके तो अंदर डालते हैं, मैं पहले वैसे करती होती थी, तो वो थोड़ा प्रोसीजर लंबा हो जाता है। अगर आप लोगों ने ऐसे करना है तो आप इस तरह भी कर लें, लेकिन मैं ये करती हूँ कि मैं साथ ही डाल देती हूँ कि इसके साथ साथ ही, क्योंकि इनको ये कौन सा गोश्त है जो गलने पे बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो फिर मैं इसको साथ ही इसके डाल देती हूँ। और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसकी छोटी छोटी क्रश करके इसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में करें, ज़्यादा करेंगे तो वो मुँह में आएगा खाते हुए ना। ये भी मैं साथ ही डाल दूँगी। Thank you.
ये देखें, अब साथ ही दूध बॉयल हो जाएगा और साथ ही सेवइयां भी गल जाएंगी। ठीक है, ये मेरे यहाँ पर सेवइयां हैं, कुछ चीज़ है अब ये जब गल जाएंगी तो आहिस्ता आहिस्ता जनाब थिक होती जाएंगी और दूध जो है वो गाढ़ा होता जाएगा। जब एंड का प्रोसेस हो जाएगा, मतलब एंड होने वाला होएगा, तो उसके बाद मैं इसमें वो डाल दूँगी, मिश्री डाल दूँगी और फिर उसके बाद जो है वो कस्टर्ड जो है वो मैं डाल दूँगी। ठीक है, और ये बड़ी मज़े की बनती है। मेरे हस्बैंड ज़्यादा मीठा नहीं खाते तो मैं बना के देती हूँ तो वो खा लेते हैं। ठीक है, और स्पेशली मेरे बच्चों को बड़ा पसंद है, दोनों को। बेटी भी नहीं मीठा खाती, बेटी और हस्बैंड दोनों मीठे के शौकीन ही है। मैं और जुहैर मेरा जो बेटा है, हम दोनों मीठे के शौकीन हैं, तो हम दोनों शौक से खाते हैं। लेकिन जब सेवइयां बनती हैं तो ये दोनों भी हमारे साथ मिल के खाते हैं और वाह वाह करते हैं। ये देखिए, अब ये बॉयल होना शुरू हो गया। आप चाहें तो इसमें वो कलरफुल सेवइयां जो मिलती हैं आप वो डाल सकते हैं, तो लेकिन मैं ज़्यादातर यही बनाती हूँ। ये सूजी की बनी होती है और ये सूजी आपको पता है हेल्दी होती है। ये देखें जी, अब इसको बॉयल हो गया ये दूध। ठीक है, अब सेवइयां भी, ये देखना सेवइयां भी साथ ही गल गई हैं। और देखें साथ ही ना गाढ़ा होना शुरू हो गया क्योंकि मलाई भी है ना अंदर। ये देखिए, और साथ साथ आप लोगों ने चम्मच हिलाते जाना ताकि साथ लगे ना। अच्छा जी, अब मैं इसके साथ ही ये मिश्री भी डाल दूंगी। ठीक है, आप लोग हस्पे जायका, आप जितनी चीनी यूज करते हैं आप लोग उस हिसाब से करें। हमारे घर में कम खाते हैं तो मैंने इस वजह से कम डाली है, और आपको पता वो क्रश नहीं हुई तो फिर मैंने अपने मुताबिक डाली है। लेकिन मेरे ख्याल में वो हाफ कप होंगी। ये रेसिपी मुझे वैसे रात को ही शेयर कर देनी चाहिए थी, लेकिन यकीन माने ईद की तैयारी की वजह से, ईद की तैयारी और फिर आपको पता है ईद जब आती है तो घर को क्लीन और नीट भी करना होता है, तो फिर उसकी वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो मैंने कपड़ों की वीडियो भी, जो ही मेरे कपड़े आए हैं उसकी वीडियो भी मैंने अपडेट कर दी है, और ये आप लोगों को जो मैं ड्रेस दिखा रही थी आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, ये ड्रेस मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये मैंने अभी पहना हुआ है। और ये दुपट्टा इस वजह से मैंने सर पे लिया हुआ है क्योंकि बाल जो हैं वो, मेरी नानो कहती हैं कि हमेशा किचन में दुपट्टा लेके जाना चाहिए क्योंकि बाल अंदर गिरते हैं। ठीक है, इस वजह से मैंने दुपट्टा लिया हुआ है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज मौसम बड़ा अच्छा हुआ है यहाँ पे, मानसून बारिशें जो है वो स्टार्ट हुई हैं। सुबह इतने प्यारे बादल से जब हम लोग उठे हैं तो हमने कहा चलो शुक्र है अल्लाह का कि ईद जो है वो जनाब बड़ी अच्छी गुजरेगी। लेकिन अब धूप निकल आई है और बाहर से खुशबुएँ आ रही हैं गोश्त की। ये देखें, ये देखें, अब गाड़ी होनी शुरू हो गई है। ले जी, सेवइयां अब रेडी हैं। अब मैं इसका थोड़ा सा मीठा चख लूँ, ये ना हो कि मीठा कम हो। बिल्कुल परफेक्ट, ये वनीला कस्टर्ड है एक एक टेबल स्पून है। ठीक है, ये मैंने उसको, और आप लोगों ने इसमें वनीला ही डालना है, ये ना हो कि आप बनाना फ्लेवर या कस्टर्ड वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डालें, तो आपने ये वनीला ही डालना है, इससे इसका कलर जो है जनाब वो बड़ा प्यारा आ जाएगा। ये लें जी, ये हो गई हैं बिल्कुल रेडी।
क्योंकि बबल्स बननी शुरू हो गई है और बाहर निकलना। अब हम इसको बाउल में डालेंगे। ये देखिए जी, और आप लोगों ने देखा है विद इन 15 मिनट ये जो हैं वो रेडी हो गई हैं। आप लोगों ने अगर दूध वगैरह डालना अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा डालना है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने पिस्ता बादाम काजू डालने हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको जो पसंद हो। ले जी, मज़ेदार सी सेवई ले जनाब। ये थी मेरी सेवइयाँ जो मैंने विद इन 15 मिनट्स 1 केजी दूध में आप लोगों के सामने बनाई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होंगी, और अगर आप लोग अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा दूध ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करें, लेकिन हमें हमारी फैमिली के लिए इट्स इनफ। और आप लोग बनाइएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।